नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल मोह में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नया YouTube चैनल शुरू करने के लिए, मतलब नए यूट्यूबर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा चीज़ उसको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा माइक लेना चाहिए, कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तभी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एक नया YouTube चैनल शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है, जिसका कैमरा अच्छा हो। अगर कैमरा अच्छा है तो आप एक मोबाइल से ही एक YouTube चैनल क्रिएट करके बहुत अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, सेकेंड नंबर पर आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राइपॉड मार्केट में कई रेंज में अवेलेबल हैं, 250 से लगाए 10,000 के रेंज में अवेलेबल हैं। तो आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आप कोशिश करिए कि कम पैसे में अच्छा हम काम कर लें। तो हम कुछ ट्राईपॉड के नाम बता रहे हैं। देखिए, एक है डिजीटेक ट्राईपॉड DTR 550 LW। ये जो ट्राईपॉड है ये 1500 से 1600 के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये ट्राईपॉड है, बहुत लंबे समय तक आप इस पर काम कर सकते हैं। लगभग दो साल तक आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आप सही से यूज कर रहे हैं तो 1.5-2 साल तक आराम से इस ट्राईपॉड को यूज कर सकते हैं। देखिए, कुछ ट्राईपॉड के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ये जितने हम ट्राईपॉड बता रहे हैं ये सारे ट्राईपॉड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। देखिए, 250 के भी ट्राईपॉड है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं, 1 से 1.5 महीने में ये टूट जाते हैं, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि आप इनको खरीदिए। देखिए, सेकेंड नंबर पे जो ट्राईपॉड है वो है स्लोविक ट्राईपॉड एल्युमिनियम। ये आपको 1399 रुपये का मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ट्राईपॉड ये भी है, आप इसे चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये ट्राईपॉड, इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, आप इस पे DSLR वगैरह सारे चीज़ यूज कर सकते हैं। अभी तक दोनों ट्राईपॉड हम जो बताए हैं इस पे DSLR वगैरह से आप आराम से शूट कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए ये ट्राईपॉड है। और अगला जो ट्राईपॉड है वो है निशिका का ट्राईपॉड है। ये 250 से 300 के रेंज में आएगा, आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये वही हम कह रहे थे कि ये जो ट्राईपॉड है वो ज़्यादा चलते नहीं है, 1.5-2 महीने, 2.5 महीने, अब बहुत किस्मत वाले हैं 3-4 महीने चल गया, नहीं तो ये टूट ही जाते हैं। अब जो अगले चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है माइक। माइक हम ज़्यादा कुछ रिफ़र नहीं करेंगे माइक का, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लेकिन हम एक ही माइक बताएंगे, वो है बोया का माइक। हम बोया का माइक यूज भी कर रहे हैं। देखिए, हम कहीं भी बोल रहे हैं चाहे जैसे बोल रहे हैं, आपको आवाज़ बहुत परफेक्ट मिलेगा, बहुत क्लियरिटी आवाज़ में मिलेगी, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि आप बोया का ही माइक आप ख़रीद लीजिए। ये 700 से 900 के बीच में आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये के अंडर मिलेगा ये, मतलब 1000 के अंडर में ही आपको ये मतलब माइक मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि आप यही माइक खरीदिए, आप ज़्यादा इधर उधर माइक 200-250 खरीदेंगे उसका ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर लेंथ होगी। देखिए, हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये 2 मीटर की दूरी पे कर रहे हैं, उसका 1 मीटर लेंथ रहेगा तो आप वीडियो ही नहीं शूट कर पाएंगे, इसलिए इस ये जो बोया का माइक है ये 20 फीट इसका लेंथ है, तो आप बहुत आराम से जब जहाँ जाएँ वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे चाहे वैसे, इसलिए हम कहेंगे कि आप यही लीजिए, क्योंकि इधर उधर पैसे नुकसान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक जो ट्राईपॉड जो हम यूज करते हैं वो आपको बता दें, वो है कोडक T210। इसका अनबॉक्सिंग भी हम किए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से भी आप इसे बाई कर सकते हैं। ये भी ये ट्राईपॉड ये भी बहुत अच्छा है। ये आपको ज़्यादा ज़्यादा 1200 से 1300 या ये 2000 तक ये बैरी करता है, 2000 के रेंज तक मिलता है, क्योंकि हम जब इस ट्राईपॉड को जो जब लिए थे ये 1600 का पड़ा था, तो इसलिए इसका रेंज बैरी करता रहता है, आप इसे चाहें तो आप ले सकते हैं। और अगला आपको डिजिटल बोर्ड की जरूरत, अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, आप एजुकेशनल पढ़ाना चाहते हैं लैपटॉप वगैरह पे, तो आपको एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और ये डिजिटल बोर्ड ऐसा होता है जैसे कि आप लिखेंगे आप बोर्ड पे, बट लिखाएगा कंप्यूटर में लिखाएगा, वहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहता है वो रिकॉर्ड होता रहता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है अगर आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो। अगर कंप्यूटर में मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड ट्यूटोरियल वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल वगैरह के लिए बहुत अच्छा है।
अदरवाइज आप बोर्ड वगैरह वाइट बोर्ड वगैरह आप पढ़ाना चाहते हैं तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक मोबाइल, ट्राईपॉड और माइक। ये तीनों चीज़ एक बार आप इन्वेस्ट कर लीजिए इन तीनों चीज़ पे, और ये आपके हमेशा काम आएंगे। इनके भी अगर देखिए वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ मैटर करता है, अगर हमारी आवाज़ नहीं जाएगी आप तक तो आप क्या समझेंगे, कुछ समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आवाज़ और वीडियो, और वीडियो अच्छी बननी चाहिए, मतलब क्लियरिटी हो, क्लियरिटी ज़्यादा हो, और कंटेंट जो आपको देना है वो सही देना है, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देना है, पहले ये जान लीजिए। बाकी YouTube से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम लाते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट वगैरह में जाके आप भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय।